बढ़िया से टैकल किया, फॉरवर्ड रन कर दिया, इसको लेके बढ़ा दिया, मौका मिल गया बॉल की तो बॉल के पर आ गया, गोल में तो चली गई है। करिश्मा ने खेल का पर बदल दिया, ऐसे में इस समय नदी के खिलाड़ी खूब सुंदर गोल रोककर पाता नहीं, सुंदर टैकल यहां पर सुरक्षित घेरे से निकाल दिया है, गेंद को खतरा टला नहीं है लेकिन निकाल दिया जैसे नंबर पांच में खूब सुंदर रघुनाथ मुर्मू ने बॉल को एक बार फिर से धीरे से सही धीरे आज मार ग्यारह नंबर जैसे बॉल का पीछा कर रहे हैं लेकिन तब तक सपोर्ट मिल जाएगा जैसे नंबर तीन का क्या होगा खूब सुंदर तरीके से लिया बढ़िया किक किया है किशोर कोई खिलाड़ी नहीं है सीधे गोल कीपर के दस्ताने में आता खेलते आए हैं अपने टीम के लिए एक बार फिर से धीरे धीरे सही गेंदबाज ने बॉल को निकाला है फिर से कब्जे में आई है सपोर्ट ढूंढ रहे हैं सपोर्ट मिला भी है लेकिन ढकेला काला के कब्जे में गेंद आई है काला एक फ्लैग को बढ़िया से टैकल किया फॉरवर्ड रन कर दिया इसको लेके बढ़ा दिया मौका मिल गया बॉल की तो बॉल के पर आ गया गोल में तो चली गई है करिश्मा ने खेल का पर बदल दिया है इस समय नदी के खिलाड़ी खूब सुंदर गोल बैठ दिया है यहाँ पर मंसूर जी मेरा तो पास एक मिनट में लग गया गोल होना था हो गया अब उसी खिलाड़ी ने गोल लगा है जब जिसको मैं देख रहा था मैं जर्सी नंबर का आते दिन इंतजार करूंगा बहुत सुंदर गोल लगा जैसे नंबर 13 ने और काम कर दिया श्रीकांत सोरेन ने और देखना काफी दिलचस्प रहेगा हालांकि हो हल्ला वाली टीम है केरला की टीम और बड़ी टीम है तो क्या रिटर्निंग गोल करने में सक्षम हो पाई मना बिल्कुल ये केरला हेलो खिलाड़ियों से मेरा आग्रह है कि आप लोग अतिरिक्त दबाव रेफरी मंडली पर नहीं दबाए क्योंकि रेफरी का मान ही सम्मान होगा इसलिए आप लोग अतिरिक्त दबाव नहीं बनाए एकदम मत बनाए क्योंकि देखिए ये नियम का तोड़ी है इसलिए आप लोग अतिरिक्त दबाव नहीं बनाए सुशील बजी है तो उसका खामियाजा होगा इसलिए रेफरी का जो मान्य है सम्मान जो फैसला होगा वही सही होगा आप लोग मत बजिए खिलाड़ियों से मेरा आग्रह है लगता है आपका अनुशासन आपकी खेल यही आपका प्यार हम सबों के बीच लाता है और यही बात का गवाह है कि आज इतने हजारों के तकरीबन 90% खिलाड़ी इसका होगा अगर यहाँ से गोल लगती है तो बराबर होगा हल्का रन पूछ चला दिया है गेंद ट्रिपल करती हुई निकल गई गोल लाइन से बाहर एक जो मौका मिला था वो फिलहाल एंकर मैं उनका ब्लैक डायमंड क्लब तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इसे प्रतियोगिता में आया है मंसूर जी एक गोल डाल दिया है गेंदबाज के विरुद्ध में नेगी नहीं ये नेगी बना लिया है पांच मिनट के दरमियान में एक गोल डाल दिया है गेंदबाज के विरुद्ध में इसी बीच एक बार फिर से बबलू के कब्जे में गेंद आई है बढ़िया क्रॉस कर दिया है फिर से जर्सी नंबर 11 के कब्जे में गेंद क्या होगा कोर्ट कब्जे का इंतजार रहेगा अमर मातो के कब्जे में गेंद आई है माइनस किया है लेकिन यहां पर छिटक गई है गेंद एक बार फिर से गेंदबाज के डिफेंडर ने बॉल को निकाला है अपने क्षेत्र से बॉल को बाहर किया है इस बार मौका मिल रहा है लेकिन गेंदबाज का भी दाद देना होगा क्या संतुलित टीम रखा है यहाँ पर मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा धीरे धीरे उस जगह को खाली कर देंगे क्योंकि आज का फाइनल दिन है फाइनल मुकाबले में माताएं बहनों को अवसर मिलती है मैच देखने के लिए आप लोग अभी अभी से धीरे धीरे से जगह को खाली कर दें इसी बीच तेज रफ्तार से जर्सी नंबर 3 बढ़े थे दीपक के ताला के कब्जे में तैला ने हिट किया था गेंद को फिर से एक खलबलाहट से ला दिया है क्योंकि फर्स्ट हाफ से खेल अभी भी चल रहा है गेंदबाज अटैक किया था गोल से नेगी के खिलाड़ी एक बार फिर से बॉल को लिया है ताला के लिए भेजा है काफी मेहनती खिलाड़ी फॉरवर्ड को लेट किया है गेंद को वापस गोल कीपर शाहरुख खान एक कोट अभी भी प्रतीक्षा रहेगा जैसे मधु का हेडर शुक्लाल मधु के कब्जे में फिर से अमर ने कमर के ऊंचाई से धकेला गेंद को फिर से मिडिल डिफेंडर क्रॉस कर दिया है नेगी के कब्जे में गेंद गई है फिर से बॉल को लेने की कोशिश कर रहे हैं नेगी भी एक संतुलित टीम उतारा है इस समय प्लेइंग 11 को इस टूर्नामेंट का चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला चल रहा है जैसे नंबर 11 जगह बनाया है करने की कोशिश करेंगे हमें सूचना जैसे प्राप्त है प्रथम पुरस्कार के रूप में 1,25,000 रूपए दिए जाएंगे द्वितीय पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे 1,00,000 रूपए तृतीय पुरस्कार में 21,000 और चतुर्थ पुरस्कार के रूप में 5 में
जहां से जो विजयी होगी पहले ग्रुप में सेमीफाइनल के प्लेयर लिस्ट में प्लेयर सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। इसलिए एक बार फिर से आज को साथ क्या आज पहुंचाया गया यहां पर नगद इनाम देंगे अपने हाथों से। एक बार फिर से टप्पा खा गई है गेंद, खूब सुंदर तरीके से कॉर्नर किक लिया गया था जैसे नंबर 11 ने बॉल को लेने की कोशिश कर रहे हैं। जब तो जहाज चल रहे हैं दोनों टीमों के खिलाड़ी बीच में क्रॉस किया है यहाँ पर, लेकिन तब तक क्या गोल बराबरी हो सकती है या फिर शून्य दो में आगे चलेगी गेम, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल तेज रफ्तार से चलता था गेम, गोल के ऊपर खुली प्रयास कर रहे हैं लेकिन एक खिलाड़ी का प्रेरण कर रहे हैं। क्या अगर कुछ होगी घटना अभी लेगी के खिलाड़ी पर आ गया है। वाह क्या नजारा है, कि कैसे जाएगा जाइए क्योंकि जीतने वाले को मिलेगा 125,000। जी हाँ 125,000। और डब्लू सेवन और आठ हुए हैं अमर कुमार महतो और ये नए हैं, क्या कुछ कर पाएंगे बाबू साहब नदी की ओर से। खेलना में अभी तक कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं आया है क्योंकि और खतरे के निशान से कहीं ना कहीं ऊपर आते हुए, हालांकि गेंदबाजी बस दस प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर, लगातार प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी तक सफलता मिला नहीं है। दो दो बार हिट जाएंगे अपने साथी खिलाड़ी को पास बढ़ाए, देखना शेष रहेगा लंबे कच्चे खिलाड़ी
सभी को लेने के अंदाज में बोले बार के अंदर आपने वो लंबे का खेला देखना से रहेगा। इस और सरकार ने एक शॉट की जरूरत है यहाँ पर दिया है अपने राइट कॉर्नर को, क्या बॉल को क्रॉस करने में सक्षम रहेंगे केलवा के खिलाड़ी। आप समय में जताया है टीम मैनेजर कैप्टन ने, लेकिन हेल्प की वजह से निकालने में सक्षम है पुनः बार डेंजर जो हमें लेकिन सेंटर में दबाव बनाने का प्रयास है टू हेड जो दबा यहाँ पर खिलाड़ी रिकम नहीं बॉल को निकालने में सक्षम है। लेकिन